अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। और जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी सागुदाना पे, और जिसको भी सागुदाना की वीडियो देखनी है वो लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग इसकी देख लीजिएगा। जो भी बच्चों का मसला चल रहा है पेट वगैरह के बारे में, तो मैंने इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैंने बताया हुआ है। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, अगर जो है ना, जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है आजकल, बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार का इशू चल रहा है। बुखार किस वजह से हो रहा है? गले में पेन होता है, गला खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये कोई ऐसा मौसम चल रहा है। शायद इस मौसम में हर एक को, हर दूसरे बंदे को हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो तब बेशक आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो उसके लिए मैं एक सीरप बताने लगी हूँ, जो बजाते तौर पे मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। और वैसे भी मेरी जितनी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो मेरी पर्सनल तौर पे मैंने खुद यूज़ की होती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं वैसे ही कोई भी उठा के तो मैं वीडियो वैसे ही बना लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जो वीडियो खुद, जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और मुझे उससे बेनिफिट मिलता है, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वैसे तो आप लोग, उम्मीद है कि वैसे तो बहुत सारी वीडियो होती हैं, लेकिन आप बेनिफिट अगर जिस वीडियो से, जिस चीज़ से खुद अगर आपको मतलब फ़ायदा मिला हो और उस पर बनाई जाए, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये सिरप मेरे पास, आप इस तरह से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये जो सिरप है, क्या लिखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये सिरप है, ऊपर तो कफ सिरप लिखा हुआ है, लेकिन ये कफ सिरप के अलावा जो है ना, अगर जिसको खांसी है, अगर रात को टाइम, मैंने तो ये पर्सनल तौर पे मैं खुद बता रही हूँ, जो मैंने यूज़ किया इसको रात के टाइम यूज़ किया, तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। अगर मेरे गले में पेन होता है, गले में बहुत ज़्यादा पेन हो और नज़ला भी हो रहा, ज़ुकाम भी हो रहा, अगर देखें कुछ लोग कहते हैं ये कफ सिरप ऊपर लिखा हुआ था ये बस ही खांसी के लिए है, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिसको फ्लू है, नज़ला है, ज़ुकाम, इस तरह कोई इशू चल रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है, तो उसके लिए अगर आप ये रात को सोते वक्त जो है ना, एक चम्मच आपने इसका ले लेना, रात को सोते वक्त आपने एक चम्मच लें, और सुबह तक देखेंगे जी फिर आपको कितना फ़र्क पड़ता है इससे। और रात को जब आप सोते वक्त लेंगे, तो उसके बाद आपने इसको पानी, इसके बाद मतलब कोई पानी वगैरह नहीं पीना, ना ही इससे पहले आपने दूध से बनी कोई भी चीज़ ऐसी खानी है, ठीक है। तो ये आपने कोई भी नरम गिज़ा आप खा लें, खिचड़ी वगैरह आपने बनाई है वो खा लें, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार है, इस तरह से कंडीशन चल रही है, तो एक चम्मच इसका लें, और साथ में आप पेनाडोल वगैरह या ले लें। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आपने ये जो है ना, ये देनी है एक चम्मच इसका, आपको जो है ना छोटे वक्त ले लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एक दिन में भी फ़र्क पड़ जाएगा, और आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। इसके जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके आपको प्राइस भी मैंशन की हुई है जी। ये देखें जी, आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा 30 रुपये का। और ये जो बच्चों के लिए आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है 1.5 से 1 चाय का चम्मच है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, आप कोशिश करें कि 7 साल के बच्चे, 7 साल से बड़े बच्चों को, ठीक है, दें। और बाकी आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी आप ले सकते हैं। वैसे ये सिरप आजकल थोड़ा शॉर्ट भी हो गया, क्योंकि ये बहुत ही असर रखने वाला और बहुत ही अच्छा सिरप है, तो इसीलिए ये थोड़ा शॉर्ट भी हो रहा है। लेकिन अब देखें, ये मेरे पास ये ख़त्म हो चुकी है, और मैंने अभी दूसरा परचेज़ करना है, दूसरा मंगवाना है अभी, और ये मुझे अच्छा रिज़ल्ट इससे मिला है। मेरे घर में भी सब यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी मैंने बताया है सब ने दवाएँ दी हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी एक यूज़ किया, मतलब इसका यूज़ जो है ना वो शेयर किया जाए कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। उम्मीद है कि अगर आपको अच्छी लगी, आपको बेहतर लग रही है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ों के लिए जो ना 1 से 2 चाय के चम्मच, तो मैं जो खुद देती हूँ वो 1 चाय का चम्मच ही लेती हूँ। मैं ज़्यादा, वैसे भी ये जो है ना, ये थोड़ी सी होती हैं हाइपोटेंसी की मतलब जैसे टैबलेट्स हैं, ऐसे ये सिरप वगैरह भी होता है, तो मैं खुद भी 1 चम्मच लेता हूँ, चम्मच लेती हूँ। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप भी इसका 1 चम्मच यूज़ करें। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ जो है ना, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और ये बंद हो जा।